गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने सीयू 2016 कैपिटल बजटिंग का आया हुआ एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, फॉलोइंग फिगर रिलेट टू ए न्यू प्रोजेक्ट जिसके लिए मशीन लगेगा 2,50,000। ये हमारा हो गया कैश आउटफ्लो 2,50,000, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 60,000 संग संग लगेगा वर्किंग कैपिटल के नाम से, ये भी हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ये फोर्थ ईयर। यहाँ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। फिर टैक्स, टैक्स रेट 30% है, टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। यहाँ बोला है कि एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब होता है एंडिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में हमको 10,000 रुपया एडिशनल वर्किंग कैपिटल डालना पड़ा। ये बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर माने एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमको 10,000 एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये भी आउटफ्लो होगा लेकिन इसको पीबी में कन्वर्ट कर लेना होगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट 40,000 रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। ये जो मशीन है, इस मशीन को बेचने से हमको एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फोर्थ ईयर के एंड में 40,000 रियलाइज होगा। अब वर्किंग कैपिटल पूरा मिलेगा, वर्किंग कैपिटल डबल है। देखिए यहाँ 60,000 वर्किंग कैपिटल है, यहाँ 10,000 वर्किंग कैपिटल है। ये भी हमको फोर्थ ईयर के एंड में रिकवर हो जाएगा। तो हम जब पीबी ऑफ कैश इनफ्लो करेंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो प्रॉफिट के थ्रू कैश इनफ्लो होगा। स्क्रैप बेचेंगे फोर्थ ईयर के लास्ट में, उसको भी कैश इनफ्लो में मानेंगे। ये दोनों वर्किंग कैपिटल रियलाइज होगा, ये भी कैश इनफ्लो होगा। हमको 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कराना है। एनपीवी के थ्रू बताना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट करेंगे। 12% पे यहाँ डिस्काउंट रेट दिया हुआ, देखिए 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ईयर। ईयर आपको चार दिया है, 1, 2, 3 एंड 4। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, 90,000, 1,45,000, 1,20,000। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रहा है 75,000। तो इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000, इसका डेप्रिसिएशन है 62,000, तो ये आया आपको 28। ओके, इसका डेप्रिसिएशन है 48,000, तो ये आया 97। इसका डेप्रिसिएशन 25,000 है तो ये आ जाएगा 95। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रहा था, डेप्रिसिएशन दिया, माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5, 28, 97 एंड 95। टैक्स रेट 30% है तो इसका 70% कर दीजिए, 3,500। क्लियर, इसका 17% 70 19,600, इसका 70% 67,900 और इसका 70% 66,500। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 78,500। इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 81,600। इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 115,000
900, इस 25,000 को प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 91,500। इसको 12% पे डिस्काउंट कराना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। इससे इसका इंटू करते हैं 70,101। इसका इंटू करेंगे 65,035। इसका इंटू होगा 82,521। इसका इंटू करते हैं 58,194। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो 70,101 प्लस 65,035 82,521 58,194, इसका रिजल्ट आया 275,851, 275,851। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन दिया था इससे इसको माइनस किए, आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 30% टैक्स माइनस करेंगे 70% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस, ये हो गया कैश इनफ्लो, 12% पे डिस्काउंट करा दिए, ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। अब इसको लेके हम लोग एनपीवी करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें आएगा एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो आपका है 275,851, ये जो आया था 275,851। अब यहां स्क्रैप वैल्यू, फोर्थ ईयर के लास्ट में हम लोग को स्क्रैप से रियलाइज हो जाएगा 40,000। इस 40,000 को फोर्थ ईयर का 0.636 से लाएंगे, वर्किंग कैपिटल रियलाइज्ड। वर्किंग कैपिटल डबल था, एक 60,000 था और एक 10,000 था, दोनों रियलाइज्ड होगा, 60,000 और 10,000, ये भी तो फोर्थ ईयर में, तो 636। ओके, तो 40,000 का 636 आया 25,440, 60,000 का 38,160। अब ये 275,851 प्लस 25,440 38,160, ये आ गया 339,451, 339,451। अब इसमें से हम लोग पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मशीन का जो वैल्यू था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 250,000 था, वर्किंग कैपिटल, शुरुआत में वर्किंग कैपिटल दिए थे हम लोग 60,000, थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रहा है, वर्किंग कैपिटल रियलाइज्ड में, वर्किंग कैपिटल रियलाइज्ड में यहां से आपको मिस्टेक मिल जाएगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 10,000 दिए थे, उसको सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में दिए थे, तो दैट इज फर्स्ट ईयर का एंडिंग में हो जाएगा 0.893, ये 8930 होगा,
यहां एक बार क्वेश्चन से देखिए, तब मिस्टेक समझ में आएगा। ये वर्किंग कैपिटल 60,000 बिगिनिंग में दिए हैं, और ये वर्किंग कैपिटल सेकेंड ईयर का बिगिनिंग बोला, तो फर्स्ट ईयर का एंडिंग, तो उसका डिस्काउंट फैक्टर फर्स्ट ईयर वाला हो जाएगा 10,000। और यहां दे रहा है वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल, तो 60,000 ये और 10,000 ये, 70,000 रिकवरी होगा। 60,000 और 10,000, 70,000 रिकवरी होगा 0.636 इंटू करने में मिस्टेक हुआ है ये, ठीक है। ये इंटू करके आएगा 44,520 प्लस 25,440 प्लस 275,851, रिजल्ट हो जाएगा 345,811, 345,811। अच्छा, आउटफ्लो में तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल को पीवी में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा 3,10,318,930। ये हो गया एनपीवी। एनपीवी पॉजिटिव है, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट या प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पीवी ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए था, तो हम लोग का तो एनुअल से आया ही था, साल्वेज रियलाइज्ड होगा 40,000 फोर्थ ईयर के एंड में, उसको डिस्काउंट करा दिए। वर्किंग कैपिटल दोनों रियलाइज्ड होगा फोर्थ ईयर के एंड में, उसको डिस्काउंट करा दिए। ये हो गया पीबी ऑफ कैश इनफ्लो। आउटफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल है, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल सेकेंड ईयर का बिगनिंग में है, माने फर्स्ट ईयर का एंड में है, उसको डिस्काउंट करा दिए, ये आ गया एनपीवी, ठीक है। ओके, ये हो गया सोल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।